हर आदमी करता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता भूल ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं, इसलिए निश्चित रहिए तो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से बारह आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा था, सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा, क्यों कटा। कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा। अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7-7 टिकट उनको दे दिया था, कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गया तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राजकाज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4-5-6-10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका, आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। अरे मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, मैं दुख से नहीं कर रहा, चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। साथ आपको हो जाता तो आप जाइए उधर, जाइए मेरे पास आएंगे तो साथ में कौन, मैं जाइए इधर, जो साथ में से जीते हैं वही जाइए काम करना है अपना, अगर काम दो लोगों को कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरोही का समझ से, नीचे उसका दुकान उकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था, आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए, कहाँ से पहली बार आए। हमने कहा ये भी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए, किस विचार से आए, ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को, आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए कि तीर दबा अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं, मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा, स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता, ये कहा बेचारा। कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20-25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिस या पर भी कहीं स्वास्थ्य का पर भी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IIMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं, आंख बंद करके जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं।
लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी के दिया करके और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है भाई। मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, पूरे दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दबाव बनाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।